दर्शक बंधु, विश्वर एक बड़ ब्यांक रे भयंकर मात्रा रे रैंसम वेयर रो आक्रमण देखिबा को मिली एवं एथिरे लकबिट रो एक प्रकार रो संप्रक्ति रहिची एवं जदि प्रभावित कथा कहिबा चीन एवं अमेरिका उद्वेग रे चली आछंती। मामला को देखले आपन को हॉलीवुड सिनेमा देखला भली लागिबो, कारण वर्तमान जो मानकर आक्रमण रहिची एही आक्रमण संभवत आउ मानवीय स्तर रे न रही यांत्रिक स्तर रे जहाकी गोटे देशर गोटे संस्थार संस्था जिते बड़ हो यार नाड़ी को दबेबा भली घटना वर्तमान देखिबा को मिली। यदि हम पर्यायक्रमे आलोचना करिबा कि अमेरिकार एक बैंक जहाकु आईसीबीसी बोली कहा जाए एथिरे रैंसम वेयर आक्रमण रहिछ। रैंसम वेयर कौन ए संबंध रे आमे कथा हबा, प्रथमे बैंक विषय रे कथा होची आईसीबीसी अर्थात इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। यहाँ मुख्य कार्यालय बेजिंग रे रही बेले यहाँ एक ब्रांच ऑफिस बा शाखा ऑफिस अमेरिका रे अवस्थित। यह बैंक को विश्वर सबुठारु बृहत बैंक बोली कहा जाए, कारण यह बैंक रो मोटामोटी जदि संपत्ति को देखा जाए पाखापाखी 6 ट्रिलियन डॉलर हबो बोली कहा जाउछ, अर्थात मिलियन नुह बिलियन नुह ट्रिलियन 6 ट्रिलियन अर्थात विश्वर बड़ बड़ अर्थनैतिक देशर समुदाय जीडीपी रु ढेर ऊर्धरे। एवं जो शाखा ऑफिस कथा कहा जाउछ अमेरिका रहिछि एहि शाखा ऑफिस रो मूल्य प्राय 194 बिलियन डॉलर बोली कहा जाउछ। एवं एथिरे जेतेबेले रैंसम वेयर रो आक्रमण देखा दैकि एहा अमेरिकार ट्रेजरी बैंक को मध्य हलचल करती। एबे ट्रेजरी बैंक कौन? ट्रेजरी बैंक एहा कि अमेरिका एही ट्रेजरी बाजार रे जो बॉन्ड रो लेनदेन व्यापार करे, लोक बॉन्ड किणंती फेरस्त करंती बा टंका उठांती जो कारबार करे, एहा उपरे मध्य एहार प्रभाव देखिबा को मिलिछ। तो आईसीबीसी बैंक निश्चित पक्षरे अमेरिकार एक तृतीय बैंक, जमीती जेपी मोर्गान हला, बैंक ऑफ अमेरिका हला, यहाँ परे आईसीबीसी रो ना आसे जहाँ चीन द्वारा परिचालित किंतु यहाँ शाखा ऑफिस अमेरिका रे थिबा बले यहाँ को एक रैंसम वेयर आक्रमण होइतबार खबर मिली। एबे रैंसम वेयर कौन ए संबंध रे जदि जानिबा को चाहिबा ताहले मोटामोटी आजिकल साइबर अपराधी माने दुई प्रकार घटना घटौछन्। गोटे हला आपणकर फोन रे लैपटॉप रे कंप्यूटर रे पसिजिबा एक एमिती सॉफ्टवेयर जहाँ एहाकु विरोध करिबो, एवं जेतेबेले भी आपण एही भली मालवेयर बोली कहा जाऊ बा एहाकु सीधा भाषा रे देसी भाषा रे खराब सॉफ्टवेयर बोली कहा जाऊ, एहा आपणकर समस्त सामग्री को लॉक कर दबो। लॉक कर दबो अर्थात आपण जेतेबेले भी लैपटॉप किंबा फोन किंबा कंप्यूटर खोलिबे एहा आपणकु मना करिबो मु खोलिबि नाही, एवं एहा बदलरे आपणकु टंका मागिबा पर्यंत कथा जीव आपण टंका पैठ कले ही आपणकर सामग्री को आपण व्यवहार करि पारिबे। एबे बुझि पारचंते रैंसमवेयर कोन? धरा जाउ कोनसी एक अपहरण घटला, अपहरणकारी जेतेबेले जहाकु भी अपहरण करथाय तार परिवार को खबर पठाई थाए कि एतिके टंका देले आपणकर छुआ को मु छाडीबि बा जीव को छाडीबि जहा भी हो, एहाकु रैंसम बोली कहा जाय। सेंति साइबर क्षेत्र रे मध्य एक यूनिट रहिछि जो माने बड़ बड़ संस्था को टार्गेट करी एथिरे एमाने एहारो समग्र कंप्यूटर कारबार को अचल कर दियंती, एवं एहाकु सचल करिबाकु हेले एमाननकु सेमाननको दाबी मुताबक टंका पैठ करिबाकु पड़िथाय जहाकु रैंसम वेयर आक्रमण बोली कहा जाय। एवं अन्य पक्षरे आउ किछि अपराधी रहिछन्ति जो माने आपणकर समस्त कंप्यूटर सामग्री को बा उपकरण को आसीजिबे एवं आपणकर समस्त तथ्य बा डाटा को चोरी करी नहीं जीवे, एवं एहा गुरुत्वपूर्ण थिले आउ एक कंप्यूटर रो अंधारिया कोण रहिछि जहा को डार्क वेब बोली कहा जाए, एठारे एमाने एहा को बिक्री करतेबे। ना तो आसीबा आपणको जणा रहिबो, ना तो जीवा आपणको जणा रहिबो, ना बिक्री होइ जीवा कथा जणा रहिबो जेते पर्यंत आपण ए सूचना सेमाननको तरफु न पाई। अर्थात वर्तमान चाइनार एही जो शाखा ऑफिस रो कंप्यूटर रे एभली खराब सॉफ्टवेयर बा आईनत असिद्ध सॉफ्टवेयर पसी जाए एहाको सीज कर देथिवा बोली घटना घटी जाउची, एवं एमाननकु रैंसमवेयर बोली कहा जाउची बा ए संबंधरे अर्थ दाबी करा जाउची, एहा चिंतित कर देछि चीन को एवं अमेरिका को मध्य, कारण एहार ट्रेजरी बैंक उपरे एहार प्रभाव देखिवा को मिली। अमेरिकार रिपोर्ट एहा कहूची कि एहा लकबिट द्वारा ही संभव होइ पारि। एबे ए लकबिट कोन? लकबिट हला एमिति एक गोष्ठी बा ग्रुप जो माने एभली खराब सॉफ्टवेयर को बा असिद्ध सॉफ्टवेयर को निर्माण करंती एवं
ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅନ୍ଧାରିଆ ଦିଗରେ ଥିବା ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଣରେ ଥିବା ଏମିତି ଏକ ରାସ୍ତା ଯାହାକୁ ଡାର୍କ ୱେବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କି ଏହାକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କାହାଠାରୁ କିଏ କିଣାବିକା କରୁଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଏମିତି ଖରାପ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଡାର୍କ ୱେବ୍ ଜରିଆରେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଏହା ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ବିଟ୍ 1.0, 2.0 ଏବଂ ଲକ୍ବିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 3.0 ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆମେରିକା କହିଛି। ଲକ୍ବିଟ୍ ସଂସ୍ଥା ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ଲକ୍ବିଟ୍ 3.0 ବା 3.0 ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ଏମାନେ ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଚୀନ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଏଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସିଜ୍ କରିଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେରିକା ଲକ୍ବିଟ୍କୁ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ବିଟ୍ କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଚୀନର ଏଇ ଯେଉଁ ICBC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରାନ୍ସମ୍ ୱେର୍ର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବା ସାଇବର ଅପରାଧର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବା ସଚଳ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ସେଠାକାର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଚାଇନାର ନିଜର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯେଉଁ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହୋଇଛି ତାହାର ସମାଧାନର ସ୍ଥିତି ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ବିଟ୍ କଥା କହିବା, ଏହାର ଅତୀତ ପୁରୁଣା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରାୟ 1400 ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ $100 million ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେବେଳେ ସଚଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ବି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବ, ଏହି କଥା ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।